दूसरे उसमें अगर मंत्रियों के पद खाली होते तो अभी तक दिल्ली दरबार में अपना लाइन लग जाती। यहाँ यह है अगर मंत्री पद खाली है तो कोई ये नहीं कह रहा साहब मुझे मंत्री बनाओ, मैं कल को हड़ताल करता हूँ, मेरे साथ इतने लोग जा रहे हैं, कोई उनके वहाँ पूरे के पूरे डेलीगेशन जा रहे हैं। अब चूंकि संगठन ने तय किया कि भाई नहीं ठीक है, उससे संविधान ने यहाँ पर 12 मंत्रियों की व्यवस्था की है, अगर हम उससे कम में भी चला सकते हैं तो इसका मतलब हम आदर्श स्थिति में हैं, उतना स्टेट का बजट बचा रहे हैं, तो एक प्रकार का ही तो आदर्श स्थिति है। और जब जरूरत पड़ेगी तो मंत्री बना भी देंगे। अब चूंकि मैंने उनके अनुशासन कि कार्रवाई या अनुशासन से पूर्व उन्होंने क्या अनुशासनहीनता की है इसके बारे में न अध्ययन किया न जानने की कोशिश की, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये इस सब काम में सक्षम है, इसलिए ये उनका काम है, वो जो काम करेंगे ठीक करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे जो विधायक हैं वो भी अगर कहीं गलती हुई होगी तो ठीक कर लेंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि चैंपियन तो चैंपियन ही है, इसलिए चैंपियन चैंपियन है, मंत्री मंत्री है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, पत्रकार पत्रकार है, मास्टर मास्टर है, उसने क्या गलत कहा? सर इससे कहीं ना कहीं एक असंसदीय भाषा का प्रयोग किया मंत्री। हाँ जी, असंसदीय भाषा का प्रयोग। नहीं नहीं, असंसदीय कैसे हो गया, असंसदीय तो है नहीं भाई, वो अपना किसी उसमें खेल में चैंपियन होगा, अब उस खेल के चैंपियन मंत्री और भगत सिंह कोश्यारी तो बन नहीं सकते, तो इसलिए उसकी विशिष्टता होगी, अब उसको मेंटेन करता है तो उसे